हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सही हो ना यार? चलो तो प्यारे बच्चों, नाइन्थ की अगर मैं बात करूं, क्लास नाइन्थ में तो मैंने अच्छे से समझा रखा है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या होगा, अर्थ पे क्या होगा, मैंने अच्छे से तुम्हें समझा रखा है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हेडिंग है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मैंने ये भी अच्छे से समझा रखा है, लेकिन किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। कोई बोलता है कि मुझे बताओ कि ग्रेविटी का कैसे वेरिएशन होता है अर्थ पे, कैसे वेरिएशन होता है, थोड़ी बातें सीखना। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बात करूं अर्थ के सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस, तो देखो मैंने इसमें बहुत कुछ तुम्हें बता रखा है कि नहीं? यस सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्थ सर्फेस पर क्या बात है, थोड़ा सुनना। मुझे पता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है सर, वो फोर्स पर यूनिट मास होता है। किसी किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही बात है कि नहीं? यस सर। अगर प्यारे बच्चों, मैं मान लिया कि अर्थ ले लिया, अर्थ है ही, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पे सेंटर पे होता है। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे, स्मॉल मास का कोई हाइट होगा, एच हाइट पे होगा, ये क्या है तो रेडियस ऑफ द अर्थ है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? यस सर। और सोचो कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे ऊपर होगा, हाइट क्या, हाइट क्या, हाइट 10 किलोमीटर, नहीं सुना इधर, 10 किलोमीटर तक जी में कोई चेंज नहीं आता है ग्रेविटी में। 10 किलोमीटर तक ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन 10 किलोमीटर से ऊपर अगर जाओगे ना तो ग्रेविटी डिक्रीज होने लगेगा, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होने लगेगा। थोड़ी रीजन क्या सुनना, मुझे बताओ इस पे फोर्स क्या लगेगा? तो मुझे पता है फोर्स बिटवीन टू मास जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मान लो एक एक अर्थ है और ये छोटा सा मास है, तो फोर्स क्या लिखोगे? तो जी एम स्मॉल एम लिख लो, और ये एम टू क्या है, मास ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस आर ई प्लस एच, तो डिस्टेंस, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं हमेशा डिस्टेंस हम, ठीक है ना? तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि सरफेस पे जो अर्थ होता है, सरफेस पे जो होता है वो क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है सर। ये कहाँ होता है, ये सरफेस पे होता है। अगर किसी हाइट पे जाना है तो कोई बात नहीं, सुनना पहले इधर, सुनना, एफ अपॉन स्मॉल मास पे क्या ले लिया, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब सोचो अर्थ पे तो होगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जो कितना वैल्यू होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो 10 मैं ले लेता हूं, लेकिन ये तो सर, लेकिन जैसे हाइट पे जाओगे ना, मैं क्या लिखा, जी इफेक्टिव, ये तो जी अपेरेंट मतलब स्वाभाविक, जी तो ये होता है, लेकिन ऊपर जाओगे जी कुछ कम हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा देखना, जी एम ई अपॉन, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, आर ई 1 प्लस एच अपॉन आर ई। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, बोलो सर आपने क्या किया, आर ई यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई कर दिया, ठीक है, आर ई और आर ए तो यही आएगा, ठीक है क्या? यस सर। क्या मिला देख, मिल गया सर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को बाहर कर दो और ये बन गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई। आर ई क्या है तो रेडियस ऑफ द अर्थ, मैंने अच्छे से समझा रखा है प्रीवियस लेक्चर में, जो 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना, अच्छा ये क्या, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या है, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ 1 प्लस एच अपॉन आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ में आ नहीं आ रहा? यस सर। तो जैसे कुछ हाइट पे जाओगे तो जी का फॉर्मूला क्या आएगा, जी ये जी कहाँ है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर ई, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। मुझे बताओ, सुनना पहले, जैसे जैसे हाइट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज, मतलब जी इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए बोलता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जैसे अर्थ के ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या बातें बोला, समय में आया क्या? ये सर समय में आया सर। सेम लाइक एज अगर मैं अंदर जाऊंगा, अर्थ के अंदर जाऊंगा, अर्थ के अंदर जाऊंगा तो भी ग्रेविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अर्थ के अंदर जाऊंगा तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, और अर्थ के ऊपर भी जाऊंगा तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, लेकिन लेकिन जो सेंटर पे जो होता है ग्रेविटी वो क्या होता है, जीरो होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या ये बातें लिख सकता हूँ क्या तुम्हारे पास? ये सर आप लिख दो सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। क्या बताया प्यारे बच्चों, सुनना, कि अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, अर्थ के नीचे भी आऊंगा तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, और जब सेंटर पे होगा तो ग्रेविटी जीरो होगा।
क्या बातें बोला, समय में आया है? यस सर। और सुनना, 10 किलोमीटर तक, सुना आपको हो सर, इसे एक मान लो अर्थ सरफेस के 1 मीटर पर चेंज आएगा ग्रेविटी? नहीं, अरे अर्थ सरफेस के 10 किलोमीटर तक जो ग्रेविटी है ना, 10 किलोमीटर तक, यहाँ अर्थ सरफेस के ऊपर बता रहा हूँ मैं, 10 किलोमीटर तक जो ग्रेविटी है ना वो कांस्टेंट रहता है, और वो कितना रहता है, 9.8 या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके ऊपर जाओगे ना 10 किलोमीटर से ऊपर तो ग्रेविटी डिक्रीज होने लगेगा, इसके ऊपर जाओगे ग्रेविटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा ऊपर जाओगे तो। बोलो क्या बातें समय में आया क्या? यस सर। सेंटर पे क्या होता है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे उसमें भी ग्रेविटी डिक्रीज होता है, लेकिन अगर सेंटर पे आओगे तो जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये बातें मैं ले सकता हूँ क्या? यस सर। एट सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो ग्रेविटी क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। क्या बातें समझ में आया क्या? ये सब समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, ग्रेविटी का वेरिएशन क्या क्या है मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, ठीक है। पोल पे भी जो ग्रेविटी होता है वो मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? यस सर। चलो अब प्यारे बच्चों, अब कुछ बातें करते हैं, मास और वेट में डिफरेंस लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा करेंगे। मास, मुझे पता है, अगर मास और वेट, वेट मतलब होता है, वेट मतलब हमेशा होता है वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, इसमें डिपेंड करता है मास इनटू ग्रेविटी। मास मतलब वेट ऑलवेज डिपेंड ऑन ग्रेविटी, मास तो कॉन्स्टेंट होगा हर जगह। मान लो 2 kg का मास है, तो मास जो है वो यहाँ कर दो, चाहे मून पे ले जाओ चाहे मार्स पे ले जाओ, मास तो उतना ही रहेगा, वेट अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा, वेट अलग अलग होगा। वेट क्या होता है, तो mg मतलब फोर्स, क्या होता है ये, फोर्स। तो सिंपल सा बात है, कोई बोलता है कि मास और वेट में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, तो मास और वेट में अंतर प्यारे बच्चों ऐसा है, तो सीखना इधर, मास जो होता है इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कंटेंड हो, कंटेंड इन अ बॉडी, उसे क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। देखिए वेट क्या होता है, तो इट इज द फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ये फोर्स होता है कौन, mg फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के टुवर्ड्स, मतलब अर्थ के टुवर्ड्स, या तो और कोई होगा मून, तो मून के टुवर्ड्स, सही बात है, वहां वेट अलग होगा, सही बात है क्या? यस सर। मास जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, स्केलर मतलब इसका कोई, स्केलर मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन मास का नहीं होता, जबकि वेट क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट का डायरेक्शन होता है, तो वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों डायरेक्शन होता है, मुझे पता है कि अगर कोई बॉडी है तो वेट हमेशा क्या लेगा, अर्थ के टुवर्ड्स ही लगेगा, हम ऐसे हमेशा, तो वो डायरेक्शन दिखाता है ना कि वेट हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स द अर्थ लगता है हमेशा। क्या प्यारे बच्चों समय में आया, नहीं आया? यस सर, समय में आ गया सर, ठीक है क्या? तो या तो इसको ऐसा नहीं, इट इज द फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, कोई बात नहीं, या तो टुवर्ड्स द प्लैनेट, कोई बात नहीं, टुवर्ड्स द प्लैनेट भी, अर्थ की बात करूँ तो अर्थ की, या तो और कोई प्लैनेट तो प्लैनेट की बात करता हूँ, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात। ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हो, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो, ठीक, कोई बात, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वेक्टर होता है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो सर एसआई यूनिट जो होता है मास का, वो क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम कहो तो केजी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, चूंकि ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, एमजी फोर्स है, तो एसआई यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, न्यूटन, क्या होगा प्यारे बच्चों, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सर सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका मास का, तो ग्राम, ग्राम, और इसका किलोग्राम ऐसा, और इसमें क्या होगा सीजीएस यूनिट, तो सर सीजीएस यूनिट जो होगा इसमें वो डाइन होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, डाइन,
ठीक है, डायन मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स या वेट, इसमें क्या होगा, ग्राम होगा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होता है सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, सीजीएस यूनिट, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो देखो क्या ये बातें समय में आया क्या, ये वेक्टर्स का समय में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत। ये बोलो इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होता है इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं, इट कैन बी वेरीड, इट वेरीड, इट इज वेरीड फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर, मतलब एक प्लेनेट से, फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट, फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट, ये वेरी करता है। एक अगर मून पे ले जा तो अलग दिखाएगा, अर्थ पे ले जा तो अलग दिखाएगा, तो ये वेरी करता है, ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है इन द यूनिवर्स। क्या मास, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर है, इसमें ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं, इसमें ग्रेविटी का मतलब है, ग्रेविटी जो है मून का अलग होता है, अर्थ का अलग होता है, इसलिए लिखा इट इज वेरी फ्रॉम प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट। ठीक है, क्या बोलो कोई दिक्कत वाली बात, क्या तुम्हें समय में आया प्यारे बच्चों क्या है? यस सर। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट मैंने कर दिया सही से। चलो अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, वो तुम्हारा है प्रेशर एंड थ्रस्ट। क्या है? प्रेशर। तो प्यारे बच्चों थ्रस्ट की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। बस सुनना, हम लोग के सिलेबस में फ्लोटेशन हट रखा है, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हट रखा है, और जो मतलब जितना भी था ना, जैसे फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट, फ्लोटेशन जो है, फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट, फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड जो नाइन्थ में है, ये सिलेबस से हट रखा है। तो प्यारे बच्चों ये मैं इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा वही जो इस साल आएगा। तो सिंपल सा बात है, मैं सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ, वो है प्रेशर। क्या बता रहा हूँ मैं? प्रेशर। चलो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर तो इट इज डिफाइंड एज, प्रेशर जैसे ही दिमाग में आता है तो इसको डिफाइन होना चाहिए कि इट इज डिफाइंड एज, सुनना, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या लिखा मैंने? नॉर्मल फोर्स, यहां इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फोर्स क्या है? तो एरिया का नॉर्मल है यूनिट एरिया, से क्या बोलेंगे? प्रेशर। जैसे मान लो कोई ये एरिया हो, छोटा सा एरिया हो, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो इसका एरिया ए हो, ठीक है, तो बोला कि यहाँ बताओ कितना प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर कितना लगेगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स कौन सा? नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है इसका मतलब? परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर बोल दो, या तो बुक में लिखा रहेगा सिंपल से इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, वो जो फोर्स लिखा होता है ना, तो वहां पे अंडरस्टूड होता है बुक में कि फोर्स क्या होता है, नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर किसका? एरिया का परपेंडिकुलर होता है फोर्स। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समय में आया क्या? यस सर। ये क्या होता है? ये प्रेशर होता है। और प्यारे बच्चों इसका यूज कहाँ है दर्शक ना, देखो प्रेशर पता है क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स कैसा? तो परपेंडिकुलर टू एरिया। अब प्यारे बच्चों क्या है मुझे बताओ, जितना एरिया कम, जैसे मान लो एरिया जिसका कम हो और फोर्स अगर कांस्टेंट हो, एरिया अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा? देखो एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और जहाँ पे एरिया कम हो बहुत ज़्यादा और फोर्स अगर कांस्टेंट हो, वहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जैसे सुइया जो होता है, जो इंजेक्शन जो होता है, सुई जो होता है इंजेक्शन, देखो जो इंजेक्शन देता है ना, तो इंजेक्शन जो निडिल होता है उसका एरिया क्या होता है? बहुत ही छोटा, ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे और वो अंदर घुस जाए, इंजेक्ट हो जाए। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो सुई का जो नॉक होता है ना, नॉक वो क्या होता है, सुई का जो निडिल का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वो उसका एरिया क्या होता है? बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, इसलिए प्रेशर क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। प्यारे बच्चों बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लो कोई ऐसा ब्लॉक है, मान लो 2 kg का ब्लॉक है, और इसका एरिया मान लो ऐसा है, एरिया जो गिवेन है वो गिवेन है, मान लो एरिया गिवेन है 0.2 m² में ये रखा हुआ है, तो बताओ कि ये जो ब्लॉक है ना, ऑब्जेक्ट है ना, कितना प्रेशर लगाया सरफेस पे, कितना प्रेशर लगाया ब्लॉक? तो सोचो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या लगा रहा है? तो mg लगा रहा है।
अरे इसी कारण फोर्स क्या, तो mg है, तो इसका फोर्स mg अपॉन एरिया कितना है 0.2, mg कितना है तो 2 इंटू 9.8 अपॉन 0.2, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, टू टू कैंसिल, कितना आ गया 98 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका SI यूनिट क्या आएगा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या बोलो, अच्छा इसको हिंदी में लिख सकते हो क्या, ग्रेटर द एरिया एंड इफ फोर्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिक्रीजेज। और इसमें क्या लिखा कि एरिया जितना स्मॉलर द एरिया प्रेशर इंक्रीजेज एट द कॉन्स्टेंट फोर्स, ठीक है क्या, फोर्स अगर कॉन्स्टेंट हो तो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है क्या, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी एरिया कॉन्स्टेंट होगा और फोर्स को इंक्रीज करेगा, तो ऐसा यूनिट बताओ इसका, ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर मीटर, क्या बोला न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स अपॉन एरिया, या तो पास्कल, या तो क्या होता है प्यारे बच्चों, पास्कल, क्या ये बातें याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा सर, तो सिंपल सा बात है पास्कल होता है, ठीक है। एक मिनट और, मान लो कि इस बार क्या किया, एरिया कॉन्स्टेंट, एरिया क्या कर लिया मैंने, कॉन्स्टेंट ले लिया दो बार, एरिया क्या किया, कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल तुम्हें पेश करता हूँ, एरिया कांस्टेंट है तो फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फोर्स डिक्रीज तो प्रेशर भी डिक्रीज। कैसे, मैं एग्जांपल पेश करता हूँ, थोड़ा सीखना, देखो मैं दो एग्जांपल दूंगा इसमें, एक तो इसका दूंगा और एक इसका दूंगा, देखना। मान लो एरिया, मान लो फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, एरिया जो है वो 0.2 है, ये वाला एरिया, ठीक है, सेम एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, सेम एरिया मान लो, और फोर्स में लगा रहा हूँ मान लो 40 न्यूटन, तो देखो दोनों का एरिया क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स क्या लगाया ज़्यादा, यहाँ फोर्स क्या लगाया कम, मुझे पता है फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये 1/2 मान लूँ तो प्रेशर जो 2 पे है वो 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है कि नहीं, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो क्या प्रेशर निकाल सकता हूँ क्या 2 पे, ये से निकाल सकता, कितना 40/0.2, तो कितना आ गया 10, कितना आ गया ये 5, तो 200 न्यूटन पर मीटर, या तो पास्कल। P1 कितना आएगा, तो P1 देख लो 20 अपॉन 0.2, 10 कितना आ गया 5, कितना आ गया 100 पास्कल, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, जल्दी लिखो, ठीक है, तो 200 ज़्यादा है, देखो P1 है कि नहीं है, एरिया क्या था कांस्टेंट था, है कि नहीं है, यस सर। इसमें थोड़ा देखो, इस बार मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ कि एरिया जो है वो 0.2 है सर, और फोर्स ले रहा हूँ मैं 20 न्यूटन, ठीक है सर। एक बार मैंने एरिया क्या किया, अब 0.1 मीटर स्क्वायर लिया सर, और मैंने फोर्स ले लिया सेम कॉन्स्टेंट 20 न्यूटन, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ फोर्स क्या है इस बार, फोर्स देखो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है 20 न्यूटन लिया, अब बताओ कहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो जहाँ पे एरिया कम हो वहाँ प्रेशर क्या लगेगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा लगेगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया कम किसका है, A2 कम है A1 से, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ लगेगा, 2 पे ज़्यादा, क्योंकि एरिया जिसका कम उसका प्रेशर ज़्यादा, सही बात है कि नहीं, यस सर। प्रेशर निकाल सकते हो, यहाँ प्रेशर निकाल लो, देखो प्रेशर P1 निकालो, प्रेशर P2 निकालो, P1 जो आएगा, P2 आएगा वो ज़्यादा आएगा P1 से, देख लो सॉल्व करके, बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर। तो प्यारे बच्चों क्या प्रेशर समय में आ गया क्या, यस सर समय में आ गया। अब तुम्हारे NCERT बुक में क्या है थोड़ा सीख लो, NCERT बुक में तुम्हारे प्रेशर का जो जिक्र किया, थ्रस्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रस्ट, किसको, प्रेशर को, प्रेशर को भी थ्रस्ट बोला गया है, कोई बोलता है थ्रस्ट या तो प्रेशर, सुनना था पहले, जैसे मान लो ये ऐसा क्यूब बना दिया, मान लो ऐसा क्यूब बना दिया, ठीक है, ऐसा ये ब्लॉक जो है ऐसा रखा हुआ है, ये मान लो इसका जो लेंथ है ये मान लो कि 20 सेंटीमीटर है और ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, और ये ऐसा रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर है, इसका मास मान लो 20 kg है, बोलता है कि ये जो सरफेस पे रखा हुआ है कितना थ्रस्ट लगा रहा है या प्रेशर, फाइंड प्रेशर या थ्रस्ट, एक ही बात है, थ्रस्ट मतलब प्रेशर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइंड थ्रस्ट, तो प्रेशर बताओ कितना लगा रहा है बाय द क्यूबॉइड ऑन सरफेस, सरफेस पे क्यूबॉइड ने कितना फोर्स लगाया या थ्रस्ट लगाया, तो क्या करूँगा थोड़ा सुनना, कितना लगाया तो सोचो इसका कितना मास है 20 किलो, तो नीचे क्या लगाएगा, वेट लगाएगा, यस सर। अच्छा कौन सा एरिया में रखा हुआ, तो देखो सर ये 10, ये 20 और ये 10, ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा एरिया लोगे, तो वो एरिया जहाँ पे वो रखा हुआ है, तो ये वाला एरिया कितना है, तो ये वाला एरिया सर कुछ ऐसा है, देखो ये एरिया है जिसके भार पे वो रखा हुआ है,
ठीक है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 20 ही होगा, ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा सर 20 गुना 10, ये क्या है तो रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो कितना लगाएगा प्रेशर, तो फोर्स कितना है इसका, वेट अपॉन एरिया, वेट मतलब mg अपॉन एरिया, वेट क्या है तो फोर्स है, कोई बात नहीं mg, तो 20 × 9.8 अपॉन 200, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। प्रेशर मुझे ऐसा यूनिट में लाना है, तो क्या करूंगा मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा, तो मीटर में चेंज कितना होगा, देखो बताओ कितना होगा मीटर में चेंज, तो कहो सर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10^-2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10^-4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10^-4 मीटर स्क्वायर। समय में आया नहीं आया, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। यार तुम एक काम करो, इसको मीटर में चेंज यहाँ कर दो, इसको मीटर में चेंज यहाँ कर दो, उसका मीटर इंटू मीटर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आएगा 10^-4, इसको सॉल्व कर दो प्यारे बच्चों, देखो 9.8 अपॉन 10^-3, ऊपर कर दो प्रेशर कितना आ गया, तो 10^3 इंटू 9.8 मतलब 9800 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट नीचे आएगा 10, तो इतना पास्कल आएगा। तुम्हें समझ में आया 9800 पास्कल, 9800 पास्कल, समझ में आया नहीं आई। ऐसे कौन सा एरिया लेना है सर, वो एरिया, अच्छा मान लो अगर इसको उल्टा करके ऐसे रख दिया हूँ इसके भाग पे, तो इसका एरिया लूंगा मैं, इसको उल्टा करके ऐसे रख दिया हूँ इसके इसके एरिया में, तो एरिया किसका लूंगा, इसका एरिया लूंगा यार मैं, है कि नहीं। ये सर कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रेशर ऐसा निकाला जा सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन होगा, देख चलो गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, कौन सा ये भार, इसके भार पे रखा हुआ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ये भार पे रखा हुआ 10 किलो, कितना वेट है 10 किलो, बताओ कितना लगेगा प्रेशर, सिंपल सा बात है, वेट mg, वेट फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कितना है 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसको कर लो मीटर में कितना आएगा बोलो, तो मीटर अपॉन 100 कर दो, 10/100 कितना आ जाएगा, तो 0.1 मीटर, ये भी कितना आएगा 0.1 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 0.1 × 0.1, तो 10 × 9.8 अपॉन 0.1 × 0.1, तो कितना आ गया, कैंसिल कर दो, तो यहाँ 100 आ जाएगा, 10 कितना बन गया, ये और ये कैंसिल 9800। तुम्हें स्वयं में आया नहीं आया अभी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, तुम्हें स्वयं में आया नहीं आया, ये सब स्वयं में आ गया था। तो प्यारे बच्चों 9th का सिलेबस यहीं तक खत्म हो गया, प्रेशर का क्वेश्चन हो जैसा भी क्वेश्चन हो अब तुमसे डन हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर। फ्लोटेशन ठीक है क्या, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको सारा सिलेबस से हट गया है, तो सिंपल सा बात है जो सिलेबस में आएगा वही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चों स्वयं में आया क्या, यस सर। तो ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वर्क एंड एनर्जी, क्या प्यारे बच्चों समय में आया नहीं आया। किसी को फोर्स का अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स दे सकता हूँ फोर्स का, मोशन का तो मैंने दे दिया, दैट स्प्रिंट आलोक सर मोशन, मोशन का मैंने नोट्स सभी को दिया है, जो जिसने जिसने मांगा, जिसे जरूरत है मुझे बोल देना, मेरा अपना नोट्स है मोशन का, दैट स्प्रिंट आलोक सर लिखा हुआ उसमें नोट्स में, ठीक है। और सुना अगर अगर तुम्हें फोर्स का, देखो इसका नोट्स अभी नहीं मिलेगा, इसका नोट्स मिलेगा तुम्हें कम से कम 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा ग्रेविटेशन का, या तो मेरे पास और इसी का नोट्स है जो जो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा अगर तुम्हें जरूरत होगा तो। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों फोर्स का अगर लेना है, द एस्पिरेंट आलोक सर का मेरा नोट्स, तो तुम ले सकते हो, तुम मेरे से यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं तुम्हें व्हाट्सएप लिंक दूंगा, उसमें आ जाना, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा नोट्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक है, थैंक यू, वेल डन।